गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिक्स्थ चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू लर्न सिक्स्थ चैप्टर मौर्यन एज चंद्रगुप्त एंड एम्परर अशोक। यस, सो अबाउट दिस वी आर गोइंग टू लर्न द लेसन इटसेल्फ सेज दैट मौर्यन एज, एज मीन्स अ पीरियड व्हेन मौर्यन ruling that time, okay? Clear everybody? Yes. The Mauryan period we are going to learn when in our country Mauryan were ruling. Got it? Yes. Age as a period, and we are going to learn about the Chandragupta and Emperor Ashoka. You all have heard about this name. आपने नाम सुना होगा, टीवी में सीरियल्स भी आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका द ग्रेट। Yes. So in detail we are going to learn about this period and the Chandragupta and Emperor Ashoka who ruled in our country of Mauryan period. Okay? Yes. As it was Sunday, all the children of the society gathered in the ground to play cricket. Bhavya and Jal formed teams. Coin was tossed to decide bowling and batting. जब भी हम क्रिकेट गेम खेलते हैं तो पता है ना आपको टॉस होता है कॉइन का, हेड एंड टेल, यस और नो? सेम वे हियर आल्सो द सेम थिंग हैपेंड। ओके, तो भव्य एंड जल्प ने अपनी टीम्स बनाई और टीम में पहले कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, ये सब डिसाइड करेंगे। जल्प सेड हेड, तो जल्प ने क्या बोला? हेड मींस व्हाट? जिस पे फोटो बना होता है। हेड मतलब अगर हेड आया तो वो पहले बैटिंग करेंगे। द पॉइंट फेल ऑन द ग्राउंड, इट वॉज हेड, सो जल्प आस्क्ड फॉर बैटिंग। अंडरस्टूड? तो जल्प को अभी बैटिंग कर, जल्प के ग्रुप को अभी बैटिंग करने का चांस मिलेगा। ओके, जब भी हम गेम खेलते हैं तो कौन डिसाइड करता है कि बैटिंग पहले कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा? तो वो हेड एंड टेल का ऐसा डिसाइड करते हैं पॉइंट्स में जो होता है। अंडरस्टूड? सो एवरीबॉडी आर अवेयर। Hitansh asked, where do we find a lion figure on the coin? Have you seen the lion? Yes. का जो इमेज होता है कॉइन्स में होता है। Yes. तो उसको दिमाग में आया कि ये कॉइन में लायन का पिक्चर कैसे आया? आपने भी कभी सोचा है कि कॉइन में ये पैसे का पिक्चर कैसा आया? Bhavya explained to him, the lion figure on the coin is head. जब भी कॉइन्स में अगर लायन का हेड आता है means that is called as a heads. This lion figures has been engraved on the huge pillar of Sarnath. Do underline. ये जो आपको coins में दिखने को मिलता है ना, ये आपको सारनाथ रियल में दिखने को मिलेगा। इट्स अ पिलर, आयरन पिलर है एट सारनाथ। ओके, दिस पिलर वॉज बिल्ट बाय एम्परर अशोका ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो ये बेटा किसने बिल्ट किया है? ये जो पिलर, आयरन पिलर की जो हम बात कर रहे हैं कि इट इज कंस्ट्रक्टेड इन सारनाथ, तो किसने बिल्ड किया ये? हु बिल्ट दिस? ग्रेटर अशोका ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ओके, हु वाज बिलोंग टू द मौर्यन डायनेस्टी? ने आयरन पिलर जो लायन का फिगर है वो आयरन पिलर सारनाथ में बिल्ड किया। इंडिया हैज रिकग्नाइज इट एज नेशनल सिंबॉल, तो हम इसे एक नेशनल सिंबॉल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। यस, ओके। नाउ नेक्स्ट लेट अस लर्न अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी फाउंडर एंड रूलर। अब हम बात करेंगे कि पीछे मौर्यन डायनेस्टी किसने स्टार्ट किया होगा, फर्स्ट कौन होगा? द स्टार्टर और एस्टैब्लिश फाउंडर मीन्स वॉट? हु स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग? फर्स्ट कौन राजा बना इसका? किसने मौर्यन डायनेस्टी को फर्स्ट फाउंड किया? सो दैट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न। यस, ओके। नाउ फर्स्ट वन इज चंद्रगुप्त मौर्य, द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, दैट इज 321 बीसी टू 297 बीसी। आप सोचेंगे टीचर ये बैकवर्ड क्यों जा रहा है? बिकॉज बिफोर क्राइस्ट हम डिसेंडेंट में जाते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर देखा होगा। यस, इन हिस्ट्री वी हैव लर्नड अबाउट, यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट, कि बिफोर क्राइस्ट में हम बैकवर्ड जाते हैं
और आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट हम क्या जाते हैं 2001, 2022, 2023 हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं. ओके दैट्स व्हाई ये बैकवर्ड में जा रहा थ्री ही रूल 321 BC to 297 BC अंडरस्टूड बिफोर क्राइस्ट क्लियर नो एवरीबॉडी. ओके नाउ चंद्रगुप्त प्लेड द गेम्स ऑफ किंग्स इन हिज चाइल्डहुड. अब हम डिटेल से बात करेंगे हु वॉज चंद्रगुप्त हाउ ही फाउंडेड दिस डायनेस्टी किसने उसकी हेल्प की कैसे वो राजा बना. तो ही हैड गेम्स ऑफ वो प्ले करते थे गेम्स का बचपन से इट मीन्स ही लव टू बी अ किंग इन द फ्यूचर. तो बचपन से वो राजा बनने का गेम खेलते. हिज स्किल्ड वॉज नोटिस्ड बाय उसका जो नॉलेज है उसका जो टैलेंट था स्किल हु नोटिस्ड आचार्य विष्णुगुप्त एंड ही वॉज ट्रेन्ड बाय हिम इन शस्त्र एंड शास्त्र. शास्त्र मतलब धर्म ग्रंथ वेदास आपने देखा है वेदास से हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है संस्कृत. तो वो सबका नॉलेज वो देने लगे शस्त्र से किसको चंद्रगुप्त. अंडरस्टूड बिकॉज जिसमें आप केपेबल हो तो आप अगर नोटिफाई करो तो आपके पेरेंट्स भी उसी लाइन में आपको भेजेंगे कि यस यू आर एक्सपर्ट एंड यू वांट टू गो इन दिस लाइन. अंडरस्टूड चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ चाणक्य डिफीटेड लास्ट एम्परर ऑफ नंद डायनेस्टी धनानंद इन 321 BC एंड टुक द थ्रोन ऑफ मगध एंड फाउंडेड मौर्यन वंश. अब इसके पहले से कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी हमारे कंट्री में नंद डायनेस्टी यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस. यस देन आफ्टर अब हम चंद्रगुप्त हाउ ही केम टू द थ्रोन ही लास्ट डायनेस्टी जो नंद डायनेस्टी के लास्ट डायनेस्टी कौन थे धनानंद उनको डेफिट करके विद द हेल्प ऑफ चाणक्य चाणक्य उनके हेल्पर्स थे उनको हर बैटल्स में वो लोग वो चाणक्य हेल्प करते थे ओके जिताने के लिए. तो विद द हेल्प ऑफ चाणक्य लास्ट डायनेस्टी को हरा कर ही टुक द थ्रोन ऑफ मगध एंड मगध में उन्होंने थ्रोन ले लिया जीत गए और मगध के राजा बन गए एंड ही फाउंडेड मौर्य वंश. क्लियर क्योंकि एक राजा दूसरे राजा को पूरा खत्म करके अपना न्यू डायनेस्टी एस्टैब्लिश करते हैं. सो आफ्टर नंद डायनेस्टी विच डायनेस्टी केम टू द मगध. अंडरस्टूड चंद्रगुप्त गॉट फुल बेनिफिट ऑफ चाणक्य स्किल इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सो विद द हेल्प ऑफ चाणक्य हमारी स्कूल भी कौन से ट्रस्ट में है चाणक्य एजुकेशन ट्रस्ट. मीन्स चाणक्य वॉज ए वेरी ब्रेव पर्सन वेरी स्किलफुल टैक्टिक्स वाले पर्सन थे वो. यस सो विद द हेल्प ऑफ चाणक्य चंद्रगुप्त ने क्या किया ही गॉट फुल बेनिफिट्स ऑफ चाणक्य. किसको फुल बेनिफिट मिला चाणक्य का चंद्रगुप्त स्किल उनका जो नॉलेज था उनका जो टैलेंट था वो चंद्रगुप्त को उन्होंने दिया इन वेयर इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अब राजा तो बन गए बहुत सारे प्रोविंसेस के अब उसका क्या बोलते पॉलिटिक्स कैसे चलाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम कैसे करना तो चाणक्य ने फुल सपोर्ट इनको दिया. ओके फ्रॉम अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र मीन्स इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल्स है जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो नॉलेज होता है वो अर्थशास्त्र में हमको मिलता है. यस रिटर्न बाय चाणक्य अर्थशास्त्र हु रिटर्न चाणक्य. वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ दैट टाइम क्योंकि चाणक्य उस समय चंद्रगुप्त के साथ में थे मौर्य वंश के साथ में थे तो उन्होंने बहुत सारे नोटेबल बुक्स लिखी है. तो फ्रॉम दिस अर्थशास्त्र वी गेट मोर नॉलेज अबाउट द चंद्रगुप्त पीरियड कैसा था उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी सोशल लाइफ कैसी थी इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी इन मौर्य वंश पीरियड में. ओके चाणक्यस डिप्लोमेटिक गाइडेंस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चंद्रगुप्तास अचीवमेंट्स. जो भी चंद्रगुप्तास ने अचीव किया था या जीता था या कुछ भी गेन किया था विद द हेल्प ऑफ चाणक्य. डिप्लोमेटिक मतलब तरीका उनको सब पता है प्रॉपर वे टैकल करने का दूसरों को हैंडल करने का. सो दीज ऑल गाइडेंस गिवन बाय चाणक्य टू द चंद्रगुप्त मौर्य. क्लियर
नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, चंद्रगुप्त कॉन्क्वर्ड फोर टेरिटरीज। अब चंद्रगुप्त ने क्या किया, हर जगह में जीतते गए, फोर टेरिटरीज को भी जीता, दैट इज काबुल, कांधार, हिरेत, हिरात एंड बलूचिस्तान विच इज इन अफगानिस्तान। काबुल तो आपको पता है पाकिस्तान का है, एक प्रोविंस से पाकिस्तान का, क्लियर। एंड बलूचिस्तान इज वन ऑफ द फोर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, इट इज वेरी लार्जेस्ट। तो ये पाकिस्तान बलूचिस्तान एंड काबुल एंड दिस कांधार एंड हिरत इज इन द अफगानिस्तान। तो इन सब मेन जो मेजर नेबरिंग पार्ट है उनको भी पूरा कॉन्कर किया, जीत गए ये टेरिटरीज को भी, ये एरिया को भी। अंडरस्टूड? आफ्टर डिफीटिंग ग्रीक किंग सेल्यूकस निकेटर, किसको हरा कर वो इस जगह को, प्रोविंसेस को अपने कब्जे में किया इन्होंने। आफ्टर डिफीटिंग ग्रीक किंग, अंडरलाइन, ग्रीक के जो किंग थे कौन, सेल्यूकस निकेटर को डिफीट करके ही जस्ट कैप्चर दिस फोर इंपॉर्टेंट मेन टेरिटरीज, क्लियर। बीइंग इम्प्रेस्ड बाय चंद्रगुप्ता'स ब्रेवरी, तो ये इम्प्रेस हो गए, कौन इम्प्रेस हुए, सेल्यूकस निकेटर इम्प्रेस हो गए कि कितना ब्रेव राजा है ये, इतने बड़े जगह को हरा भी दिया और इतने सारे जो बैटल्स करके ये तो जीतते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली नो डाउट ही वॉज अ ब्रेव किंग। अंडरस्टूड? चंद्रगुप्ता'स ब्रेवरी, सेल्यूकस मैरिड हिज डॉटर हेलिना विद चंद्रगुप्ता एंड सेंट हिज एम्बेसडर मेगास्थनीस टू हिज कोर्ट। तो सेल्यूकस निकेटर इतने इंप्रेस हो गए चंद्रगुप्ता से कि अपनी बेटी हेलिना के साथ चंद्रगुप्ता की शादी करा दी, ओके, एंड ऑल्सो सेंट एम्बेसडर, राजदूत, आपको पता है एक कंट्री के दूसरे कंट्री में एम्बेसडर रहते हैं, तो उन्होंने अपने ग्रीक एम्बेसडर कौन थे, मेगास्थनीस। अंडरस्टूड? ही वॉज ऑल्सो नोन एज ए ट्रेवलर, आपने इसका नाम सुना होगा थर्ड चैप्टर में, अ ट्रैवलर मेगास्थनीस। तो उन्होंने मेगास्थनीस को इंडिया में भेजा एज एम्बेसडर टू हिज कोर्ट, किसके कोर्ट में, चंद्रगुप्ता के कोर्ट, जो दरबार होते हैं वहां पर उन्होंने उनको वहां भेजा बैठने के लिए, ओके, रिप्रेजेंट करने के लिए। ड्यूरिंग हिज स्टे पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र कैपिटल थे आपको पता ही है, मगर पाटलिपुत्र, मेगास्थनीस रोट ए बुक इंडिका, तो मेगास्थनीस ने कौन सी बुक लिखी है, इंडिका, विच प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कैपिटल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मगर एम्पायर। तो ड्यूरिंग हिज विजिट, ड्यूरिंग हिज ट्रैवलिंग, ड्यूरिंग हिज रोल इन एम्बेसडर, ही रोट ए बुक, टाइटल नेम इज इंडिका, और उस इंडिका में किसके बारे में लिखा है, अबाउट द मगर एम्पायर कैसा था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका क्या बोलते, वेरियस इंफॉर्मेशन ऑफ पोलिटिकल सोशल, ये सब उन्होंने इंडिका बुक में अपना लिखा है, ओके। नाउ नेक्स्ट मूव टू द एक्सटेंशन ऑफ स्टेट, नाउ हाउ ही एक्सटेंड हिज वेरियस प्लेसेस, उन्होंने एक्सटेंड कैसे किया, क्यों इतना बड़ा राज्य अपने कंट्रोल में लिया। चंद्रगुप्त ट्राई टू एस्टैब्लिश अ सॉवरेन पावर, अ फुल पावर, अ वेरी अथॉरिटी पावर, किंग पावर, सॉवरेन पावर मतलब एक बड़ा क्या बोलते हैं, फुल सुप्रीम अथॉरिटी, ओके, यू कैन राइट सुप्रीम अथॉरिटी, एक पावरफुल जो हेड का जो अथॉरिटी होता है वो उन्होंने लिया ओवर होल ऑफ इंडिया बाय स्प्रेडिंग हिज अथॉरिटी विद द वेलर, ब्रेवरी एंड डिप्लोमेसी ऑफ चाणक्य इन अदर रीजन्स ऑफ इंडिया ऑल्सो, नॉट ओनली इन इंडिया, अदर जो रीजन्स है इंडिया के वहां पर भी उन्होंने किसके हेल्प से ये सब किया, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य एंड ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर, ओके, हिज अथॉरिटी उन्होंने स्प्रेड किया हर जगह में। ही रूल्ड इन नॉर्थ फ्रॉम अफगानिस्तान, उन्होंने कैसे रूल किया, ही रूल्ड इन नॉर्थ फ्रॉम अफगानिस्तान, आपको पता है किधर है, यस, पाकिस्तान के ऊपर, पेशावर, कांधार टू बंगाल इन द ईस्ट, मतलब नॉर्थ में भी स्प्रेड किया, वेस्ट में, ईस्ट में भी गए, बंगाल से ईस्ट में गए, ये एक्सटेंडेड हिज पावर इवन इन वेस्टर्न इंडिया ऑल्सो, मतलब कई जगह उनसे चूकी नहीं कि यहाँ पर ये रूल नहीं करे, ये एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अंडरस्टूड? इट इज स्टेटेड इन सम ऑफ द सोर्सेस दैट ही हैड हिज रूल इवन इन सौराष्ट्र ऑल्सो,
इवन गुजरात के जो सौराष्ट्र है उधर भी उन्होंने रूल किया था। ही हैड अपॉइंटेड पुष्पगुप्ता। तो किसने अपॉइंट किया? पुष्पगुप्ता, वेरी इंपॉर्टेंट, वैश्य अमात्य एज इट्स गवर्नर, उनके गवर्नर जो बहुत पॉपुलर थे। हाँ, ये अंडरलाइन पुष्पगुप्ता, अंडरलाइन एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट लाइन इज अ वैश्य अमात्य एज इट्स गवर्नर। पुष्यगुप्ता कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन लेक बाई कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम गिरनार माउंटेन इन गिरिनगर इन सौराष्ट्र। तो गुजरात के जो गिरिनगर है ना, आपको गिरनार माउंटेन से उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने कंस्ट्रक्टेड डैम्स। डैम्स पता ना क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं? लोगों के इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पुष्यगुप्ता प्लेड अ रोल एज अ गवर्नर इन द चंद्रगुप्ता पीरियड। And okay, so with this I will just stop this. Tomorrow we'll continue with the last paragraph.